ਆਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੋ ਲੱਕਾ ਲੱਕਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿੰਕ ਕਰਾਵੇ ये है जैसलमेर का एरिया। जैसलमेर एरिए के अंदर है, नाचना तहसील की है ये। और ये बड़े बड़े टीले हैं और इन टीलों के अंदर ये है ज़मीन। और ये ज़मीन है जी, बहुत बड़े बड़े टीले हैं, टीलों के अंदर ये ज़मीन है। और कुछ एरिए में यहाँ सोलर भी लगा हुआ है, सोलर के लिए एक बार की ये लोग लेते हैं कंपनी आके। और ये ज़मीन है जी, ऑन द रोड है। और इस ज़मीन का रेट खाली 30 लाख रुपए डिमांड है और 100 बीघा ज़मीन की, 100 बीघा ज़मीन है और 30 लाख रुपए डिमांड है जी। ये ज़मीन है और पूरी पूरी ऊंची नीची है, लगभग कहीं भी 20 फुट ऊपर है, कहीं 20 फुट नीचे है, ऊंची नीची है ज़मीन। और इसके नीचे पानी का ट्यूबवेल का पानी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि नज़दीक में कहीं ट्यूबवेल दिखाई दे ना रहा है। क्यों साइड में कहीं ट्यूबवेल होता तो हम बताते आपको कि ट्यूबवेल है, पर मौका स्थिति में मैंने कहीं ट्यूबवेल देखा नहीं इसका। तो अब क्या कह सकते हैं ज़मीन के तले का, ज़मीन पानी निकले या नहीं निकले। कल आप बोलो कि आपने बोला था पानी है, पानी कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकते। पर ये ज़मीन है जिस भाई को लेनी हो, 100 बीघा ज़मीन। और 100 बीघा ज़मीन केवल 30 लाख रुपए प्रति बीघा लगभग हो गया, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बीघा आएगी जी। और अपने सोचें कि थोड़ा भी किया गया साइड पे ऊपर नीचे होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स रेट है। पार्टी मांगने में ज़्यादा मांग रही है, पर कि मैंने आपको फिक्स रेट बता दिया ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और भाव की ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। तो कभी भी विजिट करना हो और ऐसी ज़मीन लेनी हो, टीले वाली ऊँची नीचे ले कर छोड़नी हो, तो 100 बीघा ज़मीन है, 165x65 का बीघा है। और ये ज़मीन है जिस भाई को लेनी हो तो संपर्क कर सकता है कोई भाई। और ऑल इंडिया के अंदर इस ज़मीन को नहीं ले सकता, केवल राजस्थान का ही बंदा ले सकता है। और इसमें एंट्री केवल राजस्थान बंदे की होगी, रजिस्ट्रेशन राजस्थान बंदे का होगा, मूल निवास लगेगा। तो यहाँ का कहीं राजस्थान का बंदा होना चाहिए, जो भी भाई लेवे तो राजस्थान का कैंडिडेट होना ज़रूरी है। और भाई लोगों से निवेदन है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम इन ज़मीनों में अंदर क्या होता है कि ब्रोकर ज़मीन कहीं होती है कहीं बता देते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि ये क्लियर कर ले भाई कि ज़मीन कहाँ की है। तो पटवारी से जाकर थोड़ा मौका मायना और नक्शा देखे ताकि ये पता चल जाता है कि ज़मीन कहाँ होती है। कई बार ब्रोकर को भी की पार्टी आप मालिक होते हैं गलत बता देते हैं, ज़मीन मौके पर कहीं होती है कहीं बता ही देते हैं कई बार। तो ये चीज़ें सारी पटवारी से क्लियर कर ले भाई, बाकी हमने तो ये क्लियर किया हुआ है, पटवारी को लाकर हमने क्लियर कर लिया ये ज़मीन यही है। जिस भाई को लेना हो तो बता देवे ताकि क्लियर हो जाए कि मामला किया है, अगर जिस ज़मीन को लेना हो तो सारा कुछ क्लियर करे, पटवारी से जाकर रिकॉर्ड क्लियर करे, लापरवाही कतई नहीं बरते। बाकी ये 100 बीघा ज़मीन है, इसमें तो कौन सा माड़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या का माड़ा मिलेगा। टीले तो ऐसे दिख रहे हैं, तो टीले वाली ज़मीन है। आइए, वेलकम आपका। और आगे आपको कोई और वीडियो के सीन में मिलेंगे, अपडेट देते रहेंगे। हमारा जो चैनल है थोड़ा सा ज्वाइन करते रहिए ताकि आपको कि नया नया वीडियो मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड।